ऋषभ, प्रिया और ऋतिक ऑफिस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों वीकेंड पर कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। ऋषभ ने कहा, गाइस, या हमें कोई ऐसी जगह पिक करनी चाहिए जो थोड़ी एडवेंचर से भरी हो। इस पर ऋतिक ने कहा, भाई एडवेंचर की बात तो तू रहने ही दे, तेरे एडवेंचर के चक्कर में ना हम सब लोग फंस जाते हैं। इस पर प्रिया ने जवाब दिया, यार ऋतिक, तुम कितने ज्यादा डरपोक हो। एडवेंचर का नाम सुनते ही तुम्हारे तो अंदर से भी पसीना छूटने लगा। तो ठीक है भाई, मेजॉरिटी मेरे पास है, तो फाइनली हम इस वीकेंड पर माधवगढ़ घूमने जाएंगे। अबे यार, एडवेंचर की बात हुई थी, अपनी मौत का सामना करने की बात नहीं। तू पागल हो गया है? तुझे पता भी है तू किस जगह का नाम ले रहा है? ऐसा क्या है इस जगह में जो तुम ऐसे बोल रहे हो? तुम लोग शायद माधवगढ़ के बारे में जानते नहीं हो। इस जगह पर एक बहुत पुरानी गुफा है जहां यक्षनियों का वास है। ये यक्षनियां बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं, जो इंसानों को जिंदा निकल जाती हैं। प्रिय और ऋषभ ये सुनकर हंसने लगते हैं। भाई तूने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन हम लोग डरे नहीं। चल अपनी ये हवा हवाई बातें बंद कर और कभी तो हिम्मत दिखाया कर यार। और देख, अगर तू खर्चे से डर रहा है ना, तो तू टेंशन मत ले, सारा खर्चा मैं करने वाला हूं। वीकेंड पर तीनों फ्रेंड्स माधवगढ़ के लिए निकल जाते हैं। उन लोगों को माधवगढ़ पहुंचने में शाम हो जाती है। रास्ता बहुत लंबा था और ऋतिक काफी घबराया हुआ भी था, लेकिन ऋषभ और प्रिया एडवेंचर के लिए काफी एक्साइटेड थे। ड्राइविंग सीट पर ऋषभ बैठा हुआ था और उसकी बाजू वाली सीट पर ऋतिक और पीछे की सीट पर प्रिया बैठी हुई थी। अचानक से ब्रेक लगा और सभी लोगों को एक झटका लगा। ऋषभ, तुम कैसी गाड़ी चला रहे हो? कम से कम तुम्हें ब्रेक तो आराम से लगाना चाहिए। ऋषभ के मुंह से कोई आवाज बाहर नहीं आई। वो केवल सामने देख रहा था और बिल्कुल शांत था। ऋतिक ने भी जब सामने देखा तो वो सहम सा गया। सामने एक औरत खड़ी हुई थी जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अचानक से वो औरत कार का दरवाजा खटखटाने लगी। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे पति को यहाँ कुछ लोगों ने पकड़ लिया है, प्लीज चलकर मेरी हेल्प कीजिए। कार का दरवाजा और कांच पूरी तरह से बंद थे, फिर भी उस औरत की थोड़ी थोड़ी आवाज उन तीनों को सुनाई दे रही थी। एक सुनसान जंगल के बीच में किसी औरत को देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। भाई दरवाजा मत खोलना, जरूर ये कोई लुटेरे होंगे। इस जंगल में लुटेरों के गैंग भी बहुत ज्यादा घूमते हैं। ऋतिक की बात को लेकर ऋषभ और प्रिया भी सीरियस थे, लेकिन दोनों ने मजाक के अंदाज में कहा, अरे भाई वो तो बोल रहा था कि यहाँ पर यक्षिणियां रहती हैं, तो फिर उन्होंने इन लोगों के साथ कुछ नहीं किया। ठीक है भाई, तुझे जो सही लगे तू कर, तुम लोगों से तो कोई बात कहना अपनी बेइज्जती करवाना है। ऋषभ अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और उस औरत से कहता है, आप कौन हैं और इतनी रात में इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हैं? मेरा नाम रेखा है, मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ एक ट्रिप पर आई थी। रात में मैं और मेरे हस्बैंड घूमने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने हमें पकड़ लिया। मैं बड़ी मुश्किल से उन लोगों से जंगल से छूट के बाहर आई हूँ और यहाँ मदद मांग रही थी, तभी आप लोग मिल गए। उस औरत के चेहरे और एक्सप्रेशंस दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे थे, जिसे देखकर उन लोगों को उस औरत की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ऋषभ को काफी देर तक औरत से बात करता देख प्रिया और ऋतिक भी गाड़ी से नीचे उतर आए। प्लीज आप लोग मेरे साथ चलिए, मेरे हस्बैंड को मदद की जरूरत है। देखिए रात काफी हो गई है और हम लोग इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं,
इतनी रात को इस जंगल के अंदर जाने से खतरा है। हमें किसी पुलिस स्टेशन चलकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। प्रिया बिल्कुल सही कह रही है, इस जंगल के अंदर जाना खतरों से खाली नहीं है। अरे प्रिया, तुम भी ऋतिक की तरह डरपोक हो गई हो, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। थोड़ी देर की बात में ही ऋतिक ने इस चीज को अनुभव किया कि ऋषभ का उस औरत से अटैचमेंट बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ऋषभ पर एक प्रकार का जादू सा चला दिया हो। इस बार प्रिया भी ऋतिक की बात का सपोर्ट कर रही थी, लेकिन ऋषभ उस औरत के साथ जाना चाहता था। देखो, अगर तुम दोनों मेरे साथ नहीं चलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम लोग इस गाड़ी के पास वेट करो, मैं अभी इनके पति को ढूंढ कर लाता हूँ। Are you crazy, ऋषभ? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? Don't worry, प्रिया, मैं यूं गया और यूं आया। प्रिया और ऋतिक के बहुत मना करने के बाद भी ऋषभ उस औरत के साथ चला जाता है। प्रिया और ऋतिक वही गाड़ी में ऋषभ के लौटने का इंतजार करने लगते हैं। प्रिया, तुम्हें ये नहीं लगता कि ऋषभ उस औरत से कुछ ज्यादा ही अटैच हो रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई जादू ही कर दिया हो। हाँ, थोड़ा तो मैंने भी नोटिस किया था, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, ये तो नॉर्मल चीज है। समय बीतता गया, अब हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। रात उतनी ही ज्यादा गहरी होती जा रही थी। रात को एक जंगल के बीच में रुकना काफी खतरनाक था। यार, इस ऋषभ ने तो हमें प्रॉब्लम में ही डाल दिया, इसे तो हमेशा हीरो बनने की पड़ी रहती है। इस बार तो मैं भी तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब ऋषभ वापस नहीं आया तो इस जंगल के बारे में सुनी हुई सारी कहानी उनके दिमाग में घूमने लगी और उनके दिमाग में केवल यक्षिणी का ही ख्याल आ रहा था। फिर भी प्रिया और ऋतिक ने ऋषभ को ढूंढने का इरादा बनाया। देखो, वैसे मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन फिर भी ऋषभ के लिए मैं इस घने जंगल में जाने के लिए तैयार हूँ। हाँ यार, चलो हम ऋषभ को ढूंढते हैं, अब तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद प्रिया और ऋतिक ने जो देखा उसे देखने के बाद दोनों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। हल्की बारिश के कारण जंगल की गीली मिट्टी हो गई थी और उस पर चलने वालों के पैरों के निशान भी बनते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रिया और ऋतिक ने नीचे देखा, उनके पैर वहीं के वहीं जम गए, क्योंकि जिस रास्ते पर ऋषभ उस औरत के साथ गया था वहां केवल एक ही इंसान के पैरों के निशान बने हुए थे। प्रिया, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि यक्षिणियों के पैर नहीं होते। मुझे तो लगता है वो औरत और कोई नहीं बल्कि एक यक्षिणी ही थी। ऋतिक की बातें सुनकर प्रिया बहुत ज्यादा घबरा गई थी, उन दोनों की आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो दोनों वापस अपनी कार में चले जाते हैं और कार स्टार्ट करके गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। हमें जल्दी से गांव पहुंचकर गांव वालों से हेल्प मांगनी होगी। हाँ, हो सकता है गांव वाले लोग इन यक्षिणियों का सामना करने का कोई उपाय जानते हो। अब रात धीरे धीरे खत्म होने लगी थी और सुबह होने लगी थी। गांव पहुंचकर प्रिया और ऋतिक वहां के मुखिया के पास गए। मुखिया जी, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमें आपके मदद की जरूरत है, हमारे दोस्त को यक्षिणी अपने साथ ले गई है। जी मुखिया जी, हमने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने हमारे दोस्त के ऊपर जैसे कोई जादू सा कर दिया हो, वो उसके साथ चला गया है। आप लोग घबराइए मत, वो यक्षिणी उसे जरूर उसकी गुफा में ही ले गई होगी। मुखिया अपने साथ गांव के कुछ लोगों को लेकर उस गुफा की तरफ जाता है। वो लोग जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां पर ऋषभ
हाथ पैर बंधा हुआ पड़ा था। ओह माय गॉड ऋषभ, तुम ठीक तो हो? ऋषभ बेहोश था। फिर उन लोगों ने उसके चेहरे पर पानी डाला। प्रिया, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। वो औरत एक खतरनाक यक्षिणी थी। आज अमावस्या की रात को वो मेरी बलि देकर अपनी ईष्ट देव को प्रसन्न कर अपनी शक्तियां बढ़ाने वाली थी। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना वो किसी भी वक्त यहाँ आ जाएगी। घबराओ नहीं, यक्षिणियाँ सिर्फ रात को ही निकलती है, दिन में उनकी शक्तियाँ खत्म हो जाती है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकती। ऋषभ, प्रिया और ऋतिक वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों लोग गांव वालों का धन्यवाद करते हैं। वापस लौटते समय क्यों भाई ऋषभ, कैसा रहा यक्षिणी के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस? ऋतिक यार, वो टेंशन में है और तुम उसके मजे ले रहे हो। हाँ, तुम लोगों को तो मेरी बातें हमेशा मजाक ही लगती थी ना। मैंने कितना समझाया, लेकिन तुम लोग यही सोचते थे कि मैं तो डरपोक हूँ। ऋषभ काफी सदमे में था और उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। अब उसे यक्षिणियों पर विश्वास हो गया था। उसने ऑफिस जाना तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी उस यक्षिणी की तस्वीर उसके दिमाग में आज भी घूमती रहती है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या यक्षिणियां सच में होती हैं? अगर होती है तो क्या सच में वो किसी की बलि देती है? हमें कमेंट करके बताएं। और साथ ही अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी आने वाली एक्साइटिंग अनसुनी हॉरर वीडियोस अपलोड करते ही मिल जाएं। धन्यवाद।